नमस्कार दोस्तों, हमारी इस मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है। आज हम उसे सही करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है। स्पीडोमीटर के काम न करने की स्थिति में हमारा सबसे पहला शक स्पीडोमीटर की केबल पर जाता है। इस स्पीडोमीटर की केबल को निकालने के लिए हमें वाइजर के नीचे यहाँ से इस कनेक्शन को खोलना होगा और इस क्लैंप के नीचे से इस केबल को निकालना होगा। साथ ही इस स्क्रू को खोलते हुए इस केबल को खींचते हुए हमें बाहर निकालना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह है हमारे वाइजर का स्क्रू जिसे कि हमें खोलना है। आइए इसे खोलते हैं। किसी भी बोल्ट, स्क्रू या नट को निकालने के बाद उसे संभाल कर रखें ताकि उसे दोबारा लगाते वक्त वह आसानी से मिल सके। यह है हमारे वाइजर का दूसरी साइड का बोल्ट। आइए इस बोल्ट को खोल करके भी इस वाइजर को आगे खींचते हुए बाहर निकाल कर इसे धीरे से नीचे की ओर लटका देते हैं। अब इस पहिए पर लगे हुए इस स्क्रू को हमें खोलना है जो कि इस केबल को अपनी जगह पर बनाए रखता है। इस स्क्रू को खोलने के बाद स्क्रू को संभाल कर रख लीजिए ताकि यह खोए नहीं। स्पीडोमीटर की केबल को खींचकर पहिए से बाहर निकाल दीजिए और इस क्लैंप से भी बाहर निकाल लीजिए। अब स्पीडोमीटर के नीचे लगे हुए इस कनेक्शन को हमें खोलना है जिससे कि केबल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आइए इस कनेक्शन को खोल लेते हैं। और लीजिए, यह स्पीडोमीटर की केबल स्पीडोमीटर से खुल गई है और इसमें स्पीडोमीटर ड्राइव वायर हमें टूटा हुआ मिला है। इस स्पीडोमीटर वायर में आप कोई रस्सी, नाड़ा या फिर जूते का फीता बांध लीजिए ताकि केबल को वापस लगाते वक्त वह गाइड का काम कर सके। और लीजिए, अब हमने स्पीडोमीटर की केबल खींच करके बाहर निकाल दी है और रस्सी का दूसरा सिरा ऊपर ही बांध दिया है ताकि यह रस्सी गलती से भी नीचे न गिर जाए। स्पीडोमीटर की केबल को बदलने के लिए हमने नई केबल पहले से लाकर रखी हुई है और यह है हमारे स्पीडोमीटर की केबल। इस केबल को ध्यान से चेक कीजिए और इसके ड्राइव वायर को निकाल करके चेक कीजिए कि उसमें ग्रीस लगी हुई है। यदि इसमें ग्रीस नहीं लगी होगी तो आपका वायर जंग लगने के कारण जल्दी से ख़राब हो जाएगा, और यदि इसमें ग्रीस नहीं लगी हुई है आप स्वयं इसमें नई ग्रीस लगाएं या फिर इसमें ऑयल लगा करके ही इसके बाद इसे गाड़ी में फिट करें। रस्सी के दूसरे सिरे पर इसे बांधकर रस्सी की मदद से इसे स्पीडोमीटर तक इसकी सही पोजीशन पर खींच लें और स्पीडोमीटर में इस कनेक्शन को वापस जोड़ दें। केवल हाथ की मदद से ही इस कनेक्शन को वापस टाइट करें, प्लायर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। स्पीडोमीटर केबल को इसके क्लैंप में डालते हुए वापस नीचे पहिए में जोड़ें। केबल को सही जगह पर बिठाने के लिए पहिए को थोड़ा उठाते हुए पहिए को थोड़ा घुमा करके इसको अपनी सही जगह पर बिठाएं। स्पीडोमीटर के लॉकिंग स्क्रू को अपनी सही जगह पर लगाकर इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से पूरी तरह से टाइट कर दें। आइए अब इसका ट्रायल रन करके देखते हैं। पहिए को हाथ से घुमाने पर हमारा स्पीडोमीटर काम कर रहा है और चलती हुई गाड़ी पर परिणाम आप स्वयं देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमृत सिंह और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।